ज्ञानजीत सिंह पुत्र नैब सिंह वासी कोठे नानकसर, इन्हें अपना बयान लिखाया भी कल मिति 9 मई नूं उसका बाप नैब सिंह सब्जी लैन वास्ते जो रस्ते ते गया ते उत्थे उहदे चाचे दे लड़कियां रमनदीप सिंह अते बब्बू पुत्रान अमरजीत सिंह ते नाल उन्होंने दो बंदे होर सी, उन्होंने रल के कापियां गंडासी अते सब्बल दे नाल सट्टा मार के तो उसके बाप नूं जख्मी कर दिता, जिन्हों फरीदकोट हस्पताल दाखिल कराया गया सी जिथे उहदी इन्हां सट्टां दे नाल बीती रात मौत हो गई है। जो ज्ञानजीत दे बयान ते मुकदमा नंबर 78 मिति अज दी 10 मई 2020 अंडर सैक्शन 302-506-34 IPC थाना सिटी कोट कपूरा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया, मुकदमा की तफ्तीश जारी है। इन्हों का आपस के घरेलू घर के मकान की प्लाट बारे डिस्प्यूट सीगा, जिहदे करके इन्हों के आपस में पहला भी एक दूजे के नाल चल रहा सी काफ़ी देर का डिस्प्यूट, क्योंकि मरण वाले का जिहड़े रमनदीप बब्बू ने यह चाचे भतीजे लगते हैं आपस में। इन्हों का नैब सिंह की माता जिहड़ी है तो अमनदीप जिहड़ा अमरजीत है मुलजमा का जिहड़ा बाप है ये चचेरे अपने मतरेय भरा ने, उहदे करके इन्हां दा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्लाट का डिस्प्यूट है, जिहदे करके मैटर है। नहीं हाली रैसट नहीं हुई कोई मुलजम, बहुत जल्दी असीं रैसट कर लवेंगे, मुकदमा की तफ्तीश जारी। मेरा नाम ज्ञानजीत सिंह जी। की गल हुई जी, की घटना हुई? ये मेरे फादर साहब सब्जी का लैन गए थे बाहर रेहड़ी वाले, वो तो यह काफ़ी टाइम मुड़े ने तो मेरे घर वाले कहते कि बाहर जाके पता तो करके रेहड़ी अजे आया नहीं वापस। जो मैं बाहर निकलिया तो ये 3-4 जने कुटी जा रहे थे, थोड़े नीला से वो कहता जी जिंदा नहीं छड़ना। किन्ने जने ने किवें मर्डर किया? 3 जने कुट रहे थे, कोले मौजूदा सरपंच नीला सिंह जी कुटा रहे। सरपंच कौन है, कौन पार्टी ने? कांग्रेस ही है जी। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਪਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਬਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਘਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।